हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक लेके आ गया हूँ फिर से, जो कि आपको आज मैं आपको टोटल ब्रीफ से बताने वाला हूँ, जो कि फ्रेशर स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स होते हैं जिन्हें कि एविएशन सेक्टर में वर्क करने का जिनका सपना होता है। तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि अगर आप एज एन ग्राउंड स्टाफ जो है वो आप वर्क करना चाहते हैं एज एन एविएशन सेक्टर में, आप ग्राउंड स्टाफ में जैसे आपका रैंप पे आप वर्क करना चाहते हैं, या सिक्योरिटी में आप वर्क करना चाहते हैं, या एज एन कस्टमर सर्विस आप वर्क करना चाहते हैं, तो उसमें आपका जॉब जो है वो आपका कैसे जो है वो आपका लग सकता है। एक्सपीरियंस जो लोग होंगे तो उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो फ्रेशर्स होते हैं तो उन्हें जो है वो नहीं पता रहता है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में टोटल चीज़ बताने वाला हूँ, और इससे रिलेटेड मैं एक और वीडियो जो है वो मैंने ऑलरेडी जो है वो प्लेलिस्ट पर अपने डाल रखी है, और मैं यहाँ पे आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। वो वीडियो है कि आपको उसमें मैंने टोटल इंटरव्यू का स्टेजेस बताया, लेकिन उसमें मैंने सिर्फ आपका केबिन क्रू का इंटरव्यू का स्टेजेस बताया है। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि केबिन क्रू का जिस तरीका से इंटरव्यू होता है, तो ग्राउंड स्टाफ का भी जो होता है वो नॉर्मली जो है वो आपका सेम ही होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ दोनों में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ग्राउंड स्टाफ में आपको राउंड्स, इंटरव्यू राउंड्स जो होते हैं वो उतना नहीं होते हैं, लेकिन केबिन क्रू का इंटरव्यू राउंड्स है वो आपका ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपको इसका भी वीडियो चाहिए तो आपको कि ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू स्टेजेस मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कैसे होता है, तो अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं आपको उस पे भी एक वीडियो जो है वो मैं आपको बना के और यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि उससे आपको हेल्प मिल सके। तो जल्दी जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करो, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, ताकि ऐसे ही जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको जॉब रिलेटेड मिलते रहे जैसे वीडियो अपलोड करते हो। चलिए जी, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात जो आपको बात आती है कि आप अगर एज एन एविएशन सेक्टर में आप वर्क करना चाहते हैं एज एन कस्टमर सर्विस, और वो भी अगर आप फ्रेशर्स हैं, तो सबसे पहले आपका जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए वो आपका आपके पास जो है वो आपका 18 से 27 ईयर्स के बीच में आप होने चाहिए। मेल्स और फीमेल्स कोई भी हो सकते हैं, उसमें कोई भी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़ जो है वो आपका ग्रेजुएशन जो है वो आपका पास आउट होना चाहिए विथ नो बैकलॉग्स और नॉट परस्यूइंग। तो ओनली कंप्लीटेड कैंडिडेट्स जो हैं वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या वो इसके लिए जो है वो जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके पास इंडियन पासपोर्ट और रिज्यूम, अपडेटेड रिज्यूम जो है वो आपके पास होना चाहिए। तो आधार कार्ड तो सबके पास होता है और पैन कार्ड भी होता है, तो अगर आपको एविएशन सेक्टर में ज्वाइन होना तो सबसे पहले आप जो है वो पासपोर्ट जो है वो आप अपना बनवा लें, उसके बाद ही आप एविएशन सेक्टर के लिए जाएं, तभी आप उसमें जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सारी चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया कि आपका एज क्या होना चाहिए, आपका क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, आपका पास डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, अगर आपके पास ये टोटल चीज़ है, और लास्ट चीज़ की आपके बॉडी पे कोई भी स्कार्स, टैटू मार्क्स या कुछ भी जो आप अगर यूनिफॉर्म पहनते हो तो विजुअल बॉडी पार्ट पे जो है वो आपकी कोई भी टैटू, स्कार्स, मार्क्स ये सब नहीं होनी चाहिए, तो अगर आपके पास ये चारों चीज़ है, टोटल चीज़ है, तो ही आप इंटरव्यू के लिए जो है वो आप जा सकते हैं। अगर इसमें आपका एक भी चीज़ कमी है तो आप जो है मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले वो चीज़ कंप्लीट कर लें। जैसे अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कंप्लीटेड नहीं है, या आपकी कोई बैकलॉग्स है, या आपका पास जो है वो पासपोर्ट नहीं है, या आपकी एज जो है वो मैच नहीं कर रही है, तो वो सब पहले जब ये एलिजिबिलिटी बेसिक क्राइटेरिया जो अगर जब आप टेक ओवर कर लें, उसके बाद ही जो है वो आप उसके लिए इंटरव्यू के लिए आप जाएं, ये मेरे आपको सजेशन। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़, ये जो बेसिक चीज़ है वो मैंने आपको बता दी एज एन ग्राउंड स्टाफ आपको ज्वाइन करने के लिए एविएशन सेक्टर में, मेल और एज वेल एज फीमेल इन लोगों को ज्वाइन करने के लिए, ये बेसिक चीज़ थी। अब मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ। प्रोसेस जो है ये बहुत सारे आपको जो आपको नोटिफिकेशंस मिलती है, ये आपको ऑनलाइन जो है सोशल मीडिया साइट्स पे मिल जाती है,
या आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी मिल जाती है। लेकिन बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चंस होता है कि हाँ, जो ऑफिशियल करियर का वेबसाइट पेज होता है वो उन्हें ओपन करना नहीं आता है, तो वो इसमें कैसे ओपन करें। तो मैंने, अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप किसी भी कंपनी का, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, वर्ल्ड की कोई भी कंपनी हो, अगर आपको उसका करियर वेबसाइट का पेज आपको ओपन करना है, तो आपको सीधे आपको वहां पे लिखना है कि आपको गूगल पर टाइप करना है करियर्स इन, और जिस कंपनी के लिए जा रहे हैं, जैसे आप इंडिगो के लिए जा रहे हैं तो करियर्स इन इंडिगो एयरलाइंस, या अगर आप अकाशा एयर के लिए जा रहे हैं तो आपको लिखना है करियर्स इन अकाशा एयर। आपको इस तरीका से लिखना है तो आपके पास डायरेक्ट जो है वो ऊपर में ही, एकदम टॉप मोस्ट पे ही जो है वो आपको करियर वेबसाइट का पेज जो है वो आपको आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज आपको सजेस्ट करूंगा कि किसी भी फ्रॉड या किसी भी कोई आपको ये बोलता है कि आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए, या आप मुझे उतना पैसा दे दीजिए, मैं आपका एविएशन सेक्टर में जॉब लगा दूंगा, या किसी भी कंसल्टेंसी से कि आप मुझे पैसा दे दीजिए, हम आपका, जो बहुत लोग एश्योर करते हैं कि आप मुझे पैसा दे दीजिए और हम आपका 110% जो है हम आपका जॉब लगा देंगे, तो ये चीज आप जान लीजिए कि एविएशन सेक्टर ज्वाइन होने के लिए आपको 1 रुपए भी खर्च करने की जरूरत जो है वो आपको नहीं है। अगर आपकी में खुद में कैपेबिलिटी है तो आप 0 अमाउंट दे के भी जो है वो आप इसमें एविएशन सेक्टर में जो है वो आप आ सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट चीज होता है कि आप करियर वेबसाइट पेज पे जो है वो आप डेली जाके जो है वो आप अपडेटेड हो सकते हैं, कि बहुत सारे लोगों को होता है कि हाँ, बहुत सारे लोगों का एक इंटरेस्टेड कंपनी होती है, जैसे बहुत सारे लोग इंडिगो के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत सारे लोग अकाशा एयर के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो वो लोग, अगर आप इंडिगो के लिए इंटरेस्टेड हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो सिर्फ आप डेली जो है वो जाके उनके वेबसाइट पे जाके आप वहां पे चेक कर लिया कीजिए कि हाँ, कोई नई करेंसी वैकेंसी जो है वो आपकी आई तो नहीं है, वो यहाँ पे पोस्ट तो नहीं हुए, तो वो वहां पे आपको दिखते रहेगी। उसके बाद जो है, जब आपने करियर वेबसाइट पेज पे देख लिया, जब आपको लगा कि हाँ, वहां पे आपको कोई वैकेंसी है, तो उसमें सबसे पहले आप क्या कर लें कि सबसे पहले आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर लें। अकाउंट रजिस्टर करने के लिए आपको साइन इन पे आपको जो है क्लिक करना है। तो साइन इन, अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हैं, अगर आपके पास पहले से अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप करेंगे। साइन अप पे आप क्लिक करके वहां पे आप अपना नाम, आपको अपना फुल नेम जो है वो आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस आप जो आपका ऑफिशियल होगा वो आपको डालना है, टोटल चीज आपको डाल के जो है वहां पे आपको साइन अप कर देना है। साइन अप करके एक ओटीपी आपके पास आएगा जो कि आपको ईमेल पे जो है वो आपको रिसीव होगा, आपको उस ओटीपी को जो है वो आपको वहां पे डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद में जो है वहां पे फिर आपको बोलेगा कि आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है वो आपको बनाना है। तो लॉगिन आईडी पासवर्ड में आप अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, और जो पासवर्ड जो भी आप डालना चाहते हैं वो आप वहां पे लिख के जो है वहां पे क्रिएट एन अकाउंट या क्रिएट माई अकाउंट जो है वो आप कर सकते हैं। वहां पे ये चीज आपने कर लिया, जब आपने अकाउंट क्रिएशन कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो बहुत सारे कंपनीज में होता है कि आपको पहले अप्लाई करना होता है, जैसे इंडिगो में, अगर आपको मैं बता दूं तो इंडिगो में अगर आप ग्राउंड स्टाफ के लिए अगर आप जाते हैं, तो उसमें आपको जो आपको नॉर्मली होता है वो फर्स्टली आपको अप्लाई ही करना होता है। अप्लाई करने के बाद जो है वो आपको एक रेफरेंस लिंक आ जाती है, वो रेफरेंस लिंक का आपको प्रिंट निकाल के जो है वो आपको जाना होता है। लेकिन बहुत जगह ये भी होता है कि बहुत जगह आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। जिस दिन आपका इंटरव्यू है, जैसे मान लीजिए आपको बताया कि आपका 25 को इंटरव्यू है, जैसे एयर इंडिया होता है या आपका अकाशा एयर होता है कि हाँ, 25 को इंटरव्यू है, तो आप डायरेक्ट उस दिन जो आपका डॉक्यूमेंट ये सब है वो सब लेके आप डायरेक्ट वेन्यू पे जो है वो आप चले जाते हैं। तो इस चीज का आपको जो है वो आपको ध्यान रखना है कि अप्लाई करने का जो है आप वॉक-इन्स भी जा सकते हैं, और पहले अगर अप्लाई करने का दिया हुआ है कि आपको पहले अप्लाई करना है, तो आपको पहले अप्लाई करके ही जो है वो आपको जाना है। तो इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जब आप अप्लाई कर लेते हैं, तो अप्लाई करने के बाद में फिर आपको जो डेट होता है उस डेट पे आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना होता है, जो कि आपको टोटल फॉर्मल ड्रेस में जो है वो आपको जाना होता है, विथ क्लीन शेव और बियर्ड्स, ये सब आपका टोटल क्लीन होना चाहिए, हेयर कटिंग प्रॉपर आपका होना चाहिए, ये आपको मेल एज वेल एज फीमेल कैंडिडेट्स दोनों पे जो है ये आपको लागू होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
तो आपको वहाँ पे इंटरव्यू के लिए चले जाना। तो वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, कैंडिडेट्स के जो आपका होता है, तो आपको वहाँ पे वेट करना होता है। ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पे पैनिक होके जो है वो मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स देखे हैं कि पैनिक होके उन्होंने वो इंटरव्यू ही नहीं देते, वो इंटरव्यू के बीच में चले जाते। तो ऐसे करने से जो है वो आपको जॉब जो है वो कभी आपको नहीं मिल पाएगी। अगर आपको कोई भी चीज़ अगर आपको पाना है, तो आपको उस चीज़ के लिए जो है वो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तो अगर वहाँ पे कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको अपने टाइम का जो है वो आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो वो आपका जो इंटरव्यू का डेट होता है, इंटरव्यू आपका उसी दिन कंडक्ट कराया जाता है। ये चीज़ नहीं होता है कि हाँ आपको उस दिन अगर नहीं होता है तो उस दिन से छोड़ के आपको नेक्स्ट डे बुला लिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। जिस दिन इंटरव्यू का डेट होता है, इंटरव्यू कंडक्ट उसी दिन होता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फिर आपकी जब आपकी राउंड आ जाती है, जब आपका नाम जो है वो आपको अनाउंस किया जाता है कि आपको अंदर आना है फर्स्ट राउंड के लिए, सेकंड राउंड के लिए, तो आप फर्स्ट राउंड के लिए अंदर जाते हैं। और वहाँ पे जो है वो आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ आपने जितना इंटरव्यू जो आपसे क्वेश्चन आपसे वो पूछेंगे वो आपको जो है वो आपको निकाल लेना है। तो इस चीज़ का जो है वो आपको ध्यान रखना है। बट मेक श्योर कि आपको कोई भी चीज़ ऐसा जवाब नहीं देना है कि जिससे आपका रिजेक्शन जो है वो आपका वहाँ पे एचआर आपको बोले कि वी विल कॉन्टैक्ट टू यू इन फ्यूचर। तो ये सब चीज़ से जो है ये आपकी रिजेक्शन ही होती है। तो आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो देखिए मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि आप फर्स्ट टाइम गए तो फर्स्ट टाइम में ही आपका इंटरव्यू जो है वो आपका पास आउट हो जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं कि वो सिर्फ देखने जाते हैं कि हाँ फर्स्ट टाइम में कैसे इंटरव्यू होते हैं, लेकिन वो उसी को जो है वो रिपीट करते करते जो वो 6 से 7 बार जो है वो जाते हैं बार बार इंटरव्यू देने, और लकली जो है वो लास्ट अटेम्प्ट में या किसी ना किसी अटेम्प्ट में जो है वो उनकी हो ही जाती है। तो इस चीज़ का अगर आप देखने भी जा रहे हैं, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि आप अगर इंटरव्यू के सामने में जो है वो अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आप कॉन्फिडेंट में जो है वो आप इंटरव्यू दें। तो यहाँ पे जो है अगर आपके इंटरव्यू जो है वो आपकी जैसे पूरी कंडक्ट हो जाती है, तो कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ये होता है कि आपको बोला जाता है कि आपको सेम डे ही रिजल्ट बता दिया जाता है कि आप सेलेक्टेड हैं या नहीं, या कुछ कुछ में ये होता है कि हाँ आपका इंटरव्यू हो गया अब आप जा सकते हैं। फिर वो कभी आपको ईमेल से भी बताते हैं या आपको कॉल से भी जो है वो आपको बताया जाता है। तो इस चीज़ का भी जो है वो आपको ध्यान रखना है, पैनिक आपको नहीं होना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि एविएशन सेक्टर में आने के लिए आपको वेट जो है, जो आपका ये 4 लेटर वर्ड है वेट, ये चीज़ जो है वो बहुत ही आपको जो है एविएशन सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस वर्ड का वेट एंड कॉन्फिडेंट की। तो आपको पैनिक नहीं होना, आपको वेट करना है। तो इस चीज़ का अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने गए हैं, तो अब वो आपको रिजल्ट जो है वो आपको बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन ये भी होता है कि अगर मान लीजिए कहीं से आपकी एकदम लॉन्ग टाइम हो गई कि हाँ कहीं पे आपका 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, अब आपका 3 मंथ हो गया, अगर आपको फिर भी रिप्लाई नहीं आ रही है, तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दूसरी एयरलाइन के लिए जो है वो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, क्योंकि उस कंपनी से जो है वो आपकी रिप्लाई नहीं आई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो अगर मैं आपको एज एन एग्जाम्पल बताऊं कि अगर आपके इंटरव्यू निकल गई, तो मान लीजिए अगर आपने हैदराबाद में रह के अगर आपने इंटरव्यू दिया है, और आपका जो है वो वर्किंग लोकेशंस जो है वो आपको दिल्ली दिया गया था, तो उसमें आपको फिर दिया जाएगा कि जब आपके इंटरव्यू निकल जाती है, तो फिर आपको एक डेट बताया जाएगा कि उस डेट पे जो है वो आपको दिल्ली आना है। तो वहां पे आपको मेल पे ही आ जाएगी कि आपको टोटल चीज़ डॉक्यूमेंट्स लेके, आपकी फ्लाइट टिकट, ये सब टोटल चीज़ जो है वो आपको उस डेट पे जो है वो आपको दिल्ली जो है वो आपको पहुंचना होता है। जो फ्लाइट टिकट, एकोमोडेशन, टोटल चीज़ जो है वो आपको कंपनी बियर करती है, तो वो उस चीज़ का आपको एक भी पैसा जो है वो आपको पे नहीं करना होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये भी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको किसी को भी एविएशन ज्वाइन करने के लिए आपको पैसा पे नहीं करना होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ही रखना है। ये चीज़ बहुत सारे लोगों का हो रहा है कि मैं आपको एविएशन ज्वाइन करवा दूंगा, आप मुझे इतना पैसा दीजिए, वो पैसे भी देते हैं, उसके बाद उनके पैसे का कोई पता नहीं चलता, तो ये आपके साथ एज एन फ्रॉड ही हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान तो इस चीज़ का जो है वो आपको ध्यान ही रखना है। उसके बाद जब आप इंटरव्यू जब आप चले जाते हो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि आप हैदराबाद में,
आपको वर्किंग लोकेशन अगर दिल्ली बताई गई है, आप दिल्ली आ गए एकोमोडेशन में, आपको वहां पे कंपनी जो आप दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, तो वहां पे ये भी हो सकता है कि आपके साथ जो है वो 3 से 4 कैंडिडेट्स और भी हैं जो कि सेम फ्लाइट पे आपके साथ हो, तो और वो भी आपके साथ ही आ रहे हो, तो ऐसा भी जो है वो पॉसिबल हो सकता है। जब आप आ जाते हैं उसके बाद में, जब आप वर्किंग लोकेशंस पर जब आप आ जाते हैं, तो उसके बाद में जो है वो आपको जो होटल जाने के लिए जो है वो आपको कैब प्रोवाइड करती है, वो आपको कंपनी भी करती है, आपको कुछ भी बुक करने की जरूरत नहीं है। कंपनी जो है वो आपको ड्राइवर का नंबर और ईमेल जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर है किस कंपनी के ड्राइवर है, टोटल चीज जो है वो आपको एज एन मैसेज पे या आपको एज एन मेल जो है वो भी आपको मिल जाती है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो जब आपको कैब मिल जाती है, वो आपको जिस होटल होटल का नाम आपका होगा, तो वो टोटल चीज जो है वो आप होटल में फिर आप चले जाते हैं। होटल में भी आपको ये हो सकता है कि आप अकेले भी रह सकते हैं, या आपके साथ जो है वो सेम कंपनी में ही एज एन जो आपके साथ में ट्रेनिंग लेने के लिए आए होंगे, तो वो भी ये हो सकते हैं कि हाँ आपके साथ में 2 लोग रहे हैं या 3 3 लोग रहे हैं, तो वो कंपनी उस अकॉर्डिंग जो है वो आपका एकोमोडेट करती है। तो एकोमोडेशन के लिए आपको एक भी चीज जो है वो आपको कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो आप जिस दिन होटल पहुंचते हैं, होटल पहुंचने के बाद आपको जो है वो आपको नेक्स्ट डे जो है वो आपको कंपनी के जो हेडक्वार्टर्स ऑफिस होते हैं वहां पे आपको जाना होता है। वहां पे भी जाने के लिए आपको कंपनी जो है वो कैब प्रोवाइड करती है, तो कैब आपके होटल पे आती है, होटल से आपको कंपनी की कैब जो है वो आपको लेके जाती है जहाँ पे उनका ऑफिस है। ऑफिस में जाने के बाद वहां पे आप रिसेप्शन एरिया पे जाते हैं, वहां पे आपको बताना होता है कि आपने यहाँ पे जो है वो आपको ने ट्रेनिंग देने के लिए लेने के लिए आपने आया है, आपको वो ईमेल आईडी वो टोटल चीज आपको बताना होता है कि आपने इंटरव्यू दिया था ग्राउंड स्टाफ के लिए, आपने एज एन सिक्योरिटी या रैम्प इस चीज के लिए जो है वो आप हायर किए गए हो, तो आपको फिर वो एक आपको विजिटर्स आई कार्ड या आपको विजिटर्स आई कार्ड टाइप की ही जो है वो आपको एक आई कार्ड टाइप से जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है रिसेप्शन एरिया से। फिर जब आप वो लेके आ जाते हैं, तो आपको फिर ये देखना है कि आपकी जो इंटरव्यू जो हुई थी, जिस चीज के लिए आप सिलेक्ट हुए थे कि रैम के लिए हुए थे या सिक्योरिटी के लिए हुए थे या कस्टमर सर्विस के लिए हुए थे, तो उस स्पेसिफिक चीज की जो है वो जो ट्रेनिंग है वो किस रूम में होनी है, तो उस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। और एक चीज मैं यहाँ ये भी बता दूं कि जब आप यहाँ पे पहुंच जाते हैं, जब आप कंपनी के ऑफिस पहुंच जाते हैं, हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं जहाँ पे ट्रेनिंग्स होती है, जैसे अगर मैं इंडिगो का बता दूं तो आई फ्लाई सेंटर होता है, अगर स्पाइसजेट का बता दूं तो स्पाइस स्टार एकेडमी होता है, अगर अकाशा एयरलाइन का बता दूं तो अकाशा लर्निंग सेंटर होता है। तो ये टोटल चीज अगर जब आप वहाँ पे पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे जो आपसे सीनियर है तो उनसे आपको कांटेक्ट जो है वो आपको बना के रखना है, मतलब आप उनसे दोस्ती जो है वो आप कर सकते हैं, नॉट एज एन फ्रेंकली बट एक बिहेवियर होना चाहिए, क्योंकि वो आपके सीनियर हैं, तो आप उनसे जो है वो आप एज एन फ्रेंड्स जो है वो आप बन सकते हैं, आप उनसे ग्रोथ के बारे में पूछ सकते हैं, आप उनसे वर्किंग लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं कि कैसे वर्क होता है, कितना घंटे का वर्क होता है, तो ये सब चीज जो है वो आप उनसे पूछ सकते हैं, और वो भी आपको जो है वो आपको बताएंगे। उसके बाद जब आप वहाँ पे करते हैं, फिर आपकी ट्रेनिंग वहाँ पे स्टार्ट होती है, तो ट्रेनिंग स्टार्ट होने पे जो है वो फर्स्ट डे जो है वो आपका डॉक्यूमेंट्स ये सब वेरीफाई होता है, तो जब आपका नाम बुलाया जाता है तो आपको टोटल डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे आपको जाना होता है, टोटल आपका वेरिफिकेशन ये सब होता है। तो फर्स्ट डे प्रोसेस में जो है वो आपको थोड़ा सा लेट होता है, जो नॉर्मली डे होता है उससे आपको थोड़ा सा लेट ही होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फॉर्म फिलिंग की जो है वो प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ होती है। फिर आपका ट्रेनिंग जो है वो आपका होता है, तो नॉर्मली एज माइन एक्सपीरियंस जो है वो आपका ग्राउंड स्टाफ का नॉर्मली आपका इंटरव्यू होता है वो 14 से 15 डेज का जो है वो आपका कंडक्ट कराया जाता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और वहाँ पे जो आपका स्टे, आपका फूड, ये सब टोटल चीज जो है वो आपको कंपनी बियर करती है, आपको कोई भी चीज पे करने की जो है वो आपको जरूरत नहीं है, तो इस चीज का भी जो है वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जब आप इंटरव्यू खत्म सॉरी जब आपकी ट्रेनिंग खत्म होती है, तो फिर आप अपने होटल पहुंचते हैं। होटल पहुंचने के बाद
एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आप होटल पहुंचते हैं, होटल पहुंचने के बाद में जो आपको उस दिन ट्रेनिंग दी जाती है, तो ट्रेनिंग जो आपको दी जाती है वो आप एक नोट पैड में लिख लें। ऐसे नोट पैड और पेन जो है वो आपको कंपनी के द्वारा भी प्रोवाइड की जाती है, बट वो चीज आप एक अच्छे से नोट बना के लिख लें, क्योंकि वो नोट जो है वो आपको एग्जाम में जो है वो आपको हेल्प करता है। जो जब आपका एग्जाम होता है, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो एक DGCA जो के तरफ से जो है वो एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो उस एग्जाम में जो है वो नोट्स जो है वो बहुत ही काम आती है। तो जितना दिन आप वहाँ होटल पर रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप घूमने जा रहे हैं, इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं। आप घूमिए फिरिए सब कुछ करिए, लेकिन आपको उस टाइम में पढ़ाई करने भी जो है वो आपको जरूरत है। तो जब सब कुछ हो जाती है, आप एग्जाम जो है वो आप पास आउट हो जाते हैं, एग्जाम पास आउट हो जाने के बाद में जो है वो आपकी फिर एक एयरपोर्ट ट्रेनिंग भी होती है। तो आपको एक दिन जो है आपके सारे कैंडिडेट जितने भी होते हैं वो आपको एयरपोर्ट पे लेके आया जाता है, आपको एयरपोर्ट दिखाया जाता है कि एयरपोर्ट पे कहाँ पे कैसे वर्क होती है, क्या चीज़ पे वर्क होती है, आपकी कौन सी टर्मिनल पे जो है वो आपकी जॉब एलोकेट होती है, वो टोटल चीज़ जो है वो चीज़ आपको बताया जाता है। एयरपोर्ट की भी जब ट्रेनिंग आपकी ख़त्म हो जाती है, तो अगर आपका ये होता है कि हाँ, जैसे मैंने हैदराबाद और दिल्ली का बताया था, तो अगर आप दिल्ली में ही, अगर आपका होता है कि नहीं आप दिल्ली में ही जो है आपका वर्किंग लोकेशन है, तो आपको दिल्ली में जो है जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो फिर कंपनी आपको एकोमोडेशन नहीं देती है, तो उसके बाद में जो है वो आपको खुद का जो है वो आपको बियर करना पड़ता है कि आप उस टाइम पे हाउस जो है वो आप रेंट पे लेते हैं, आपको खुद का खाने का सारा कुछ का जो है वो आपको बियर करना होता है। तो उस चीज़ में यह है कि आप उस चीज़ में ये कर सकते हैं कि जैसे दिल्ली में जो महंगाई है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप जैसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, आप अगर आपके साथ कोई दोस्त बन जाते हैं, तो आप दो तीन लोग मिल के जो है वो एक आप रूम ले सकते हैं, तो जो कि आपका कॉस्ट बियरिंग भी जो है वो आपका कम करेगा। तो ये सब चीज़ से जो है वो आप मनी जो है वो आप बहुत ज़्यादा सेव भी कर सकते हैं, तो इस इसका भी आपको ध्यान रखना है। फिर और अगर मैं यहाँ पे दूसरा भी सिनेरियो बता दूँ, कि अगर आपकी है कि नहीं, आपको हैदराबाद में आपकी इंटरव्यू हुई थी, दिल्ली में आपकी ट्रेनिंग हुई, और वर्किंग लोकेशन जो है वो आपकी हैदराबाद ही है, तो जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर कंपनी जो है वो आपको एक टिकट देगी फ्लाइट के लिए, जो आपको दिल्ली से हैदराबाद के लिए आपको होगी, और वो भी आपका सेम ही प्रोसेस रहेगा कि कंपनी जो है वो आपको होटल से एयरपोर्ट छोड़ेगी, एयरपोर्ट से जो है वो आपको टोटल चीज़ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद जो है वो फिर आपको फ्लाइट से जो है वो आपको जाना है, तो वो कंपनी बियर करती है। तो ये भी चीज़ कर सकते हैं कि आप दिल्ली में जैसे आपकी कंप्लीट हो गई, फिर आपका फ्लाइट लेके जो है वो आप हैदराबाद आ जाते हैं, हैदराबाद में आने के बाद फिर आपकी एक दिन होती है जिसको आप बोलते हैं रिपोर्टिंग डे। तो रिपोर्टिंग डे में होता है कि आप उस दिन जाते हैं, और उस दिन जो है वो आपको अपने मैनेजर के पास जो है वो आपको रिपोर्ट करना होता है, या जो भी वहाँ पे आपको दिया जाता है कि आपको इस आदमी से जो है आपको इस टर्मिनल पे, इस एयरपोर्ट पे आपको इस आदमी से जो है वो आपको आके जो है वो आपको रिपोर्ट करना, और आपको टाइमिंग वाइमिंग सब आपको उसमें ही जो है वो आपको लिखी रहती है। तो आपको जो है जो आपको कंपनी से यूनिफॉर्म ये सब प्रोवाइड किया जाता होगा, वो टोटल यूनिफॉर्म पहन के अच्छे से वेल ग्रूम होके जो है वो आपको उसी दिन जो है आपको उस जो मैनेजर होते हैं आपको उनके पास जो है वो आपको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के बाद भी आपको उन्हें बताना होता है कि हाँ, मैंने दिल्ली में ट्रेनिंग लिया था, हैदराबाद में मेरा इंटरव्यू हुआ था, और मेरा हैदराबाद ही वर्किंग लोकेशन है, और मैं इस प्रोफाइल के लिए जो है वो मैं सेलेक्ट हुआ हूँ आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो फिर जो है वो आपका उस दिन से जो है वो आपकी जो आपका वर्किंग आवर्स है वो आपका शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका जब वर्किंग जब आप रिपोर्ट करते तभी से आपको एकदम प्रेशर जो है वो आपको दे दिया जाता है। एयरपोर्ट पे जो है एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब तक आपकी फ्लाइट है, जब तक आपका डिपार्चर अराइवल नहीं हो जाता है, जब तक आपकी फ्लाइट है, तो प्रेशर थोड़ा सा होता है। प्रेशर ऐसा भी नहीं कि आपका 100% प्रेशर होता है, जैसे आपने अगर कॉल सेंटर्स की प्रेशर देखी होगी, तो कॉल सेंटर्स की तरह तो एकदम ही नहीं होती है। तो आपको प्रेशर होती है, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं होती है, तो आपको धीरे 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 जो है वो आपको काम सिखाया जाता है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैंने टोटल चीज आपको बता दिया, मैंने आपको ज्वाइनिंग से लेके आपको
आपको इंटरव्यू से लेकर टोटल ज्वाइनिंग तक जो है वो आपको मैंने बता दिया यहाँ पे। तो आई होप कि इसमें आपको कुछ भी डाउट नहीं आ रहा हो। तो अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि ऐसी जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको जॉब रिलेटेड मिलते रहे जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।